वेलकम माय वेरी वेरी प्रीशियस कैंसेरियंस। कैसे हैं आप सब कैंसेरियंस? आई रियली होप एंड आई रियली विश कि आपका मई का महीना अच्छा गुजर रहा होगा और आप अच्छे स्टेट ऑफ माइंड में होंगे कैंसेरियंस। और ये जो आपकी रीडिंग है, ये रीडिंग है करंट फीलिंग्स ऑफ योर पर्सन, मतलब कि जिस भी पर्सन से आप डील कर रहे हैं, जिनके लिए भी आप रोमांटिक फीलिंग्स रख रहे हैं, या फिर जो भी पर्सन है जो आपकी एनर्जी फील्ड में बहुत ज़्यादा डोमिनेंट है, हम जानने की कोशिश करेंगे कि ये पर्सन आपके लिए क्या सोचता है और क्या फील कर रहा है। और इस रीडिंग को इस बार हम यू वर्सेस देम के फॉर्मेट में करेंगे, जहाँ पे हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि आप कैसा फील कर रहे हो इस पर्सन के लिए, और आप दोनों की एनर्जीज़ मिल के कौन सी रियलिटी को क्रिएट कर रही हैं। ओके, और आपके मई मंथ की जो लव रीडिंग है, जनरल प्रेडिक्शन है और करियर की गाइडेंस है, वो ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुकी हूँ। तो जैसे कि इस रीडिंग में हम आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स देखेंगे, वैसे ही आपकी लव रीडिंग का पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर और आउटकम वाला वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ। ओके, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी, आप देख सकते हैं। ओके, अब चलिए शुरू करते हैं। लेट्स सी कि क्या हो रहा है यहाँ पे। वाओ, आपके पर्सन की साइड से तो बहुत ही पॉजिटिव कार्ड्स आए हैं। जो क्रॉस वॉचर्स हैं वो ध्यान रखिएगा कि एनर्जीज आर इंटरचेंजेबल, स्पेशली जब आप क्रॉस वॉच करते हैं तो हो सकता है कि मैं आपके पार्टनर की फीलिंग्स बता रही हूँ तो वो आपकी फीलिंग्स हो, या फिर आपकी फीलिंग्स बता रही हूँ तो वो आपके पर्सन की फीलिंग्स हों। ठीक है, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। सबसे पहले यहाँ पे एनर्जीज़ बहुत ज़्यादा पॉजिटिव दिख रही हैं, आपके पर्सन की साइड से भी और आपकी साइड से भी। कुछ लोगों के लिए ये पर्सन हो सकता है कि आपको किसी आपके करियर से रिलेटेड किसी जगह पे मिला हो, लाइक आपके कॉलेज में या फिर आपके ऑफिस में या फिर आपके कॉमन फ्रेंड्स के थ्रू। यहाँ पे पेज ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। सबसे पहले आप क्या फील कर रहे हैं कैंसेरियंस? यहाँ पे लग रहा है कि कुछ कॉन्फ्लिक्ट हुआ है आपका इस पर्सन से, और इस कॉन्फ्लिक्ट में और भी लोग इन्वॉल्व हैं। तो यहाँ पे 5 ऑफ वांड्स की एनर्जी दिख रही है आपकी साइड से, मतलब कुछ आप दोनों के बीच में आर्ग्यूमेंट्स हुए हैं और उस आर्ग्यूमेंट से आप निकलना चाहते हैं, उसे ठीक करना चाहते हैं, बिकॉज़ यहाँ पे जजमेंट की एनर्जी है। और जजमेंट की एनर्जी बताती है कि आप इस कनेक्शन में सेकेंड चांस चाह रहे हैं किसी तरीके का, या फिर जो भी पास्ट में अनवांटेड चीज़ें हुई हैं आप चाह रहे हैं कि उससे आप भी निकल जाएँ, आपके पर्सन भी निकल जाएँ। आपके पर्सन भी यहाँ पे बैलेंस क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं इस कनेक्शन में। यहाँ पे टेम्परेंस का कार्ड है जो बताता है कि ये चीज़ें बैलेंस करना चाहते हैं, प्लस टेम्परेंस कंपैटिबिलिटी भी बताता है और बॉन्ड बनना भी बताता है, आपस में अट्रैक्शन भी बताता है। सो बेसिकली ये बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है लव रीडिंग के लिए, टेम्परेंस का आना। और जब भी टेम्परेंस को हम ट्रेडिशनल टैरो डेक में देखते हैं तो वहाँ पे एंजल्स होते हैं जो ब्लेस कर रहे होते हैं कनेक्शन को। इस डेक में वैसा नहीं दिखाया गया है, बट टेम्परेंस बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है, बिकॉज़ वो बॉन्डिंग बताता है, कंपैटिबिलिटी बताता है किसी कनेक्शन की, जिसे एंजल्स भी ब्लेस कर रहे हैं। यहाँ पे हायरोफेंट का कार्ड है। जो बहुत सारे लोग ये रीडिंग देख रहे हैं, या तो आप ऑलरेडी मैरिड हैं इस पर्सन से, या फिर आपके पर्सन की इंटेंशंस हैं आपके साथ लॉन्ग टर्म रहने के। द हायरोफेंट यहाँ पे आके ये भी बता रहा है कि आप बहुत इम्पॉर्टेंट हैं इस पर्सन के लिए, और इसीलिए मैंने कहा था ना, यहाँ पे जो स्टार्टिंग के कार्ड्स आए, मतलब जो मेन एनर्जी आई है आपके पर्सन की, वो बहुत ही पॉजिटिव दिख रही है, जो मेन एनर्जी है इस रीडिंग की। तो ये पर्सन आपके साथ में लॉन्ग टर्म रहना चाहते हैं। एक चीज़ और दिख रही है कि इस रिलेशनशिप में ज़्यादा जो अथॉरिटी है वो आपके पर्सन के पास में है। अथॉरिटी एज इन के इस पर्सन के हाथ में बहुत कुछ है, ये रिलेशनशिप यू नो, तो रिलेशनशिप का जो फ्यूचर है वो भी काफ़ी कुछ आपके पर्सन के हाथ में ही दिख रहा है कि किस तरीके से रिएक्ट करेंगे या किस तरीके से बिहेव करेंगे इस कनेक्शन में, उस पर ये कनेक्शन डिपेंड कर रहा है। यहाँ पे 10 ऑफ कप्स की एनर्जी भी है। 10 ऑफ कप्स की एनर्जी बहुत ज़्यादा डे ड्रीमिंग बताती है और फैमिली प्लानिंग बताती है, बिकॉज आप इस कप्स की एनर्जी को देखो, यहाँ पे कपल्स हैं, बच्चे हैं, पेट्स हैं, अबंडेंस दिख रहा है और काफ़ी अच्छा टाइम ये फैमिली आपस में स्पेंड कर रही है। तो हायरोफेंट के साथ 10 ऑफ कप्स का आना मतलब कि फॉर श्योर ये पर्सन आपके साथ में फ्यूचर देखता है। यहाँ पे 9 ऑफ कप्स की एनर्जी है, 8 ऑफ पेंटिकल पॉजिटिव, द मैजिशियन, ये पर्सन आपको मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहा है। ओ माय गॉड, अगेन बहुत ही पॉजिटिव से कार्ड है। यहाँ पे 9 ऑफ कप्स की एनर्जी है और उसके बाद में 8 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। देखो इस पर्सन की दो इमोशंस मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ। सबसे पहला कि ये पर्सन बहुत ही फुलफिल्ड है अपनी लाइफ में, खुश है अपनी लाइफ में ऐसा दिख रहा है, और उसी आउट ऑफ हैप्पीनेस लाइक आप इनकी लाइफ में इट्स लाइक कि आप इनकी लाइफ में बहुत सारी हैप्पीनेस को ऐड ऑन करते हैं। तो ये पर्सन ऑलरेडी लाइफ में कहीं पे ऐसी जगह पे स्टैंड कर रहा है जो अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड है या संतुष्ट है अपनी लाइफ से, और उसके बाद जब ये आपके टूवर्ड्स आते हैं या फिर इस कनेक्शन में एफर्ट लगाते हैं तो वो चीज़ इनकी लाइफ की हैप्पीनेस को और ज़्यादा बढ़ाती है। तो दिस इज़ समवन जो इंडिपेंडेंट है शायद बोल सकते हैं, या खुश है अपनी लाइफ में आपका पर्सन। 8 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है जो कि बता रही है कि पर्सन इस कनेक्शन पे आप पे एफर्ट लगाना चाहते हैं कैंसेरियंस, एंड आई एम वेरी सरप्राइज्ड कि कार्ड्स इतने ज़्यादा पॉजिटिव हैं। अक्सर ऐसी रीडिंग्स में कार्ड पॉजिटिव्स बहुत ज़्यादा नहीं आते हैं, बट आई एम सो अमेज्ड, आई एम सो हैप्पी कि इतने पॉजिटिव कार्ड्स हैं। तो इस कार्ड से पता चल रहा है कि पर्सन इस कनेक्शन पे एफर्ट लगाना चाहता है, हार्डवर्क करना चाहता है और इक्वल गिव एंड टेक देना चाहता है आपको। तो अगर क्योंकि आपकी साइड से 5 ऑफ वांड्स दिख रहा है, मतलब कुछ कॉन्फ्लिक्ट की एनर्जी है, तो कुछ अगर बातें बिगड़ी हैं तो ये पर्सन उसे पॉजिटिव करना चाहते हैं। यहाँ पे द मैजिशियन भी है। मैजिशियन दो बातें बता रहा है यहाँ पे आके। एक तो ये बात बता रहा है कि ये पर्सन आपको मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, दूसरी बात ये बता रहा है कि पर्सन बहुत ही ज़्यादा यू नो, जब मैजिशियन हायर वाइब्रेशनल एनर्जी में होता है तो ये एक चार्मर होता है जो अपनी बातों से आपको इम्प्रेस करता है, या फिर ये बातें बहुत बनाता है, या फिर ये बातें अच्छी करता है पर्सन, तो आप बहुत ज़्यादा इम्प्रेस होते हो उस पर्सन की बातों से या फिर चार्म हो जाते हो, अट्रैक्ट होते हो उस पर्सन से। कई बार जब द मैजिशियन लोअर वाइब्रेशन में होता है तो मैनिपुलेशन भी बताते हैं कि पर्सन बहुत ही ईजिली आपको मैनिपुलेट कर देते हैं, और मैनिपुलेशन नॉट नेसेसरली इन अ बैड वे बट हो भी सकता है। बट ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा बातों में घुमा देते हैं कभी कभी, या फिर बातों से अपनी अट्रैक्ट करते हैं, मतलब जो इनकी कम्युनिकेशन करने का तरीका है या फिर जो भी ये बिहेव करते हैं उससे आप काफ़ी हद तक कंट्रोल हो जाते हैं। लाइक आपको आप इनकी बातों में आ जाते हैं, आप समझ जाइए मैं क्या बोलना चाहती हूँ। सो ये मैजिशियन मुझे नेगेटिव नहीं दिख रहा है अभी यहाँ पे, बिकॉज आसपास के जो कार्ड्स सराउंडिंग कार्ड्स हैं वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हैं। यहाँ पे 2 बार कप्स की एनर्जी आई है, 9 ऑफ कप्स आया है और 10 ऑफ कप्स आया है। अगेन जैसे मैंने बोला था आपको, देखिए यहाँ पे एक बहुत ही डीपर बात पता चल रही है। जैसे मैंने आपको बोला था 9 ऑफ कप्स से कि ऑलरेडी अपनी लाइफ में बहुत ही संतुष्ट हैं, बट ये अब ये चाहते हैं आपके साथ में, ये चाहते हैं यू नो। तो एक्चुअली ये पर्सन अभी डे ड्रीम कर रहा है। यहाँ पे देखो इस कार्ड को, ये पर्सन डे ड्रीम कर रहा है, इस चीज़ के लिए डे ड्रीम कर रहा है कैंसेरियंस। ये पॉजिटिव है, ओके। अब ये एक्चुअली उन लोगों के लिए रीडिंग दिख रही है जिनके रिलेशनशिप में फ्यूचर है और होप है और चांसेस हैं कि आगे जाके चीज़ें बहुत अच्छी हो जाएं। अगर आप ऑलरेडी ऐसी जगह पे स्टैंड कर रहे हैं जहाँ पे आपका किसी और, यहाँ पे फिर से कप्स आए, कैन यू इमेजिन कितने सारे कप्स हैं। बहुत ही एक तो आप भी कैंसेरियन हैं, आप लोग तो होते ही इमोशनल हैं, आपके पर्सन भी इमोशनल दिख रहे हैं आपके लिए बहुत ज़्यादा। अगर आप ऐसी जगह पे हैं लाइफ के जहाँ पे आपका किसी से ब्रेकअप हुआ है या फिर आपको पता है कि आपके एक्स के साथ में कोई भी चांसेस नहीं है, तो ये कोई नया पर्सन भी हो सकता है जो कि मैनिफेस्ट होने वाला हो आपकी लाइफ में, बिकॉज यहाँ पर मैजिशियन आया है। सो आपका सोलमेट है ये। आई डोंट नो ये पास्ट पर्सन है, नया पर्सन है, बट ये आपका सोलमेट दिख रहा है यहाँ पर। आई डोंट इवन नो कि ये मैनिफेस्ट हुआ है कि नहीं पर्सन, बिकॉज यहाँ पे मैजिशियन है। अब जो भी कुछ है आप जैसे भी रिलेट कर पा रहे हो, यहाँ की एनर्जीज बहुत ही कमाल की एनर्जीज हैं। एक और पॉजिटिव कार्ड आया है, वाओ। यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स है, यहाँ पे क्वीन ऑफ वांस है। ऐसा भी हो सकता है कि ऑलरेडी आपकी लाइफ में दो दो लोग हों, बिकॉज यहाँ पे दो दो क्वीन दिख रही है। रिगार्डलेस ऑफ जेंडर आपके पर्सन मेल हो सकते हैं या फीमेल हो सकते हैं, क्वीन बस एक एनर्जी होती है। यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड है जो कि बता रहा है कि कोई पर्सन है जो आपसे बहुत ज़्यादा इमोशनली अटैच है कैंसेरियंस। यहाँ पर इमोशनल अटैचमेंट बहुत ही नेक्स्ट लेवल का दिख रहा है। ये पर्सन बहुत ज़्यादा इमोशनल फील करता है और इस पर्सन की एनर्जी बहुत ज़्यादा मुझे एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम नर्चरिंग भी लग रही है। ये कोई ऐसा पर्सन है जिसने आपको उस टाइम पे सपोर्ट किया था लाइफ में, शायद से जब आप डिफ़िकल्ट फेज़ में थे, बिकॉज इस पर्सन की एनर्जीज़ बहुत ज़्यादा नर्चरिंग दिख रही है। और यहाँ पर क्योंकि क्वीन ऑफ कप्स है, क्वीन ऑफ कप्स आपको भी रिप्रेजेंट करता है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप इनकी एनर्जी फील्ड में बहुत ज़्यादा डोमिनेंट दिख रहे हैं कैंसेरियंस, तो आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है यहाँ पर। उसके बाद में सिक्स ऑफ वांस की एनर्जी है। सिक्स ऑफ वांस की एनर्जी जब फीलिंग्स में आती है तो ये बताती है कि पर्सन आपके बारे में लोगों से बहुत ज़्यादा ब्रैग करता है। लाइक इस पर्सन को आप इतने ज़्यादा पसंद हो कि शायद से लोगों को जाके बताता है कि ये कैंसेरियंस हैं और ये मेरी इनसे ऐसे बातें होती है और मैं मिलता हूँ या मिलती हूँ या फिर हमारा इस टाइप का कनेक्शन है या फिर ये पर्सन मुझे पसंद करता है। तो इट्स लाइक सिक्स ऑफ वांस इज़ ऑल्सो अबाउट ब्रैगिंग अबाउट योर पार्टनर, कि हम लोगों को जाके बताते हैं अपने रिलेशनशिप के बारे में कि ऐसा चल रहा है, वैसा चल रहा है, इसने मुझे ये बोला, वो बोला, लोगों से शेयर करते हैं, ब्रैग करते हैं। ब्रैग करना मतलब आप समझ रहे हो ना, मतलब कि बड़ाई करना बहुत ज़्यादा अपने रिलेशनशिप की या फिर अपने पर्सन की, वो चीज़ भी यहाँ दिख रही है। प्लस सिक्स ऑफ वांस एक और चीज़, सिक्स ऑफ वांस रिलेशनशिप की सक्सेस बताता है और सिक्स ऑफ वांस देखते से ही हमारे दिमाग में जो पहला कीवर्ड आता है वो किसी चीज़ में सक्सेसफुल होने का आता है। और यहाँ पे आपके पर्सन की बहुत ही नेक्स्ट लेवल डिज़ायर दिख रही है आपके साथ सक्सेसफुल होने की इस कनेक्शन में। यहाँ पे क्वीन ऑफ वांस की भी एनर्जी है, अगेन मैनिफेस्टेशन की एनर्जी है, पैशन की एनर्जी है, फिज़िकल अट्रैक्शन की एनर्जी है और रिस्क टेकिंग की एनर्जी है। तो सबसे पहले ऐसा भी लग रहा है कि इस पर्सन को लगता है कि इस रिलेशनशिप में रहना थोड़ा सा रिस्की है। मुझे लग रहा है आप दो लोगों से डील कर रहे हैं, बिकॉज आई डोंट नो यहाँ पे सिक्स ऑफ सॉर्ट्स आया है। ऐसा लग रहा है कि आप एक एनर्जी से निकल के दूसरी एनर्जी में जा रहे हैं कैंसेरियंस। बहुत सारे लोगों के लिए ये एक ट्रांजिशन का पीरियड हो सकता है जहाँ पर आप एक रिलेशनशिप से निकल के दूसरे रिलेशनशिप में जा रहे हो और इसीलिए इतनी कमाल की एनर्जीज दिख रही हैं यहाँ पर, बहुत ही पॉजिटिव। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, हाँ यहाँ पे न्यू एनर्जीज हैं बिकॉज यहाँ पे सिक्स ऑफ कप्स भी आया है। सो सी या तो ऐसा भी हो सकता है कि आपका आपके पर्सन के साथ में एक नए सिरे से कनेक्शन शुरू हो, वापस से चीज़ें शुरू हो। इवन तो मुझे ऐसे कार्ड्स नहीं दिख रहे हैं, बट फॉर श्योर एक चीज़ यहाँ पे श्योर है कि आप एक चीज़ से निकल के दूसरी जगह पे जा रहे हो। यहाँ पे जजमेंट है, सेकंड चांसेस बता रहे हैं। यस जजमेंट है तो हो सकता है कि आप वापस से रिकन्सिलेशन वाले मूड में जा रहे हो या फिर कम्प्लीटली किसी नए पर्सन से मिल रहे हो। आपको पता होगा अगर आप रिकन्सिलेशन सीख कर रहे हो तो भी आपको पता होगा, अगर ये कोई नया पर्सन है तो भी आपको पता चल गया होगा। यहाँ पे सिक्स ऑफ सॉर्ट्स की एनर्जी है, आप एक जगह से निकल के दूसरी जगह पे जा रहे हो। सो पास्ट, यहाँ पे पास्ट से आप निकल रहे हो, पास्ट को लेट गो कर रहे हो, पास्ट की जो भी एनर्जीज थी आपकी लाइफ से जा रही हैं अभी कैंसेरियंस, विच इज़ सच अ ब्यूटीफुल थिंग। यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी में आप दिख रहे हो। ऐसा भी लग रहा है कि बहुत सारे कैंसेरियंस अपने करियर पर फोकस कर रहे हैं, अपने पैसों पर फोकस कर रहे हैं और अब आप लाइफ में स्टेबिलिटी चाहते हो कैंसेरियंस। मुझे लग रहा है कि आप अब इस टाइप का कनेक्शन नहीं चाहते हो कि आप कनेक्शन में जाओ, किसी रिलेशनशिप में रहो, उसके बाद आपको कमिटमेंट ना मिले या फिर इन एंड आउट होता रहे आपका पर्सन। आप यहाँ पे स्टेबिलिटी सीख कर रहे हो अपने कनेक्शन में कि अब जो पर्सन आएगा वो लाइफ टाइम रहना चाहिए, या फिर अब अगर मेरा दोबारा से इस पर्सन के साथ में रिलेशनशिप शुरू हो रहा है तो ये रिलेशनशिप यू नो स्टेबिलिटी में चेंज होना चाहिए, शादी में चेंज होना चाहिए यू नो। तो आप यहाँ पे बहुत ही मेजर स्टेबिलिटी अभी सीख कर रहे हो। और यहाँ पे सिक्स ऑफ कप्स की एनर्जी है, वापस से अगर ये कोई या तो ये रिकंसिलेशन वाला सिनारियो है या तो अगर ये कोई नया पर्सन है तो ये पर्सन वो भी हो सकता है जो आपको पहले से जानता हो बट अब ये आपको शो करे अपनी रोमांटिक फीलिंग्स यू नो बिकॉज यहाँ पे 6 ऑफ कप्स है। तो या तो आप पहले से इस पर्सन को जानते हो और अब हो सकता है पहले फ्रेंडशिप हो आप लोगों में, अब ये कुछ रोमांटिक कनेक्शन में चीज़ चेंज हो रही हो, तो वो चीज़ यहाँ पर दिख रही है। यहाँ पे पेज भी था अगेन, बहुत ही न्यूनेस दिख रही है आपकी लव लाइफ में कैंसिरियंस। और क्या चल रहा है यहाँ पे? फाइव ऑफ पेंटिकल है, व्हील ऑफ फॉर्चून है, 5 ऑफ कप्स है। बहुत ही एक आपके पर्सन की फीलिंग्स में या साइड में हमें ये दिख रहा है कि आपके पर्सन बहुत टाइम से अकेलापन फील कर रहे थे और अभी ये इनकी लाइफ से अकेलापन जा रहा है। और मुझे लग रहा है इनकी लाइफ से अकेलापन इसीलिए जा रहा है क्योंकि आप इनकी लाइफ में आ रहे हो। तो बहुत ही अलग सी इंटरेस्टिंग सी एनर्जीज़ हैं ये। आई डोंट नो यहाँ पे क्या चल रहा है, बट यहाँ पे देखिए 5 ऑफ पेंटिकल है और उसके बाद में व्हील ऑफ फॉर्चून है। तो ये इस जगह से निकल रहे हैं, 5 ऑफ पेंटिकल से निकल रहे हैं, जहाँ पे इन्होंने बहुत ही लंबे टाइम तक अकेलापन महसूस किया है। ऐसा महसूस किया है कि इनकी लाइफ में कोई सपोर्ट नहीं है। और अब व्हील ऑफ फॉर्चून, ये चीज़ अब बदल रही है। व्हील ऑफ फॉर्चून आया है और टेम्परेंस जैसे कि आया था। ये दोनों कार्ड खास कर जब लव रीडिंग में आते हैं कैंसिरियंस तो बताते हैं कि आपका जो कनेक्शन है वो डिवाइनली गाइडेड कनेक्शन है कैंसिरियंस। तो इट्स लाइक समथिंग लाइक कि आप डेस्टिन्ड हैं इस पर्सन से मिलने के लिए या फिर इसके साथ ज़िंदगी भर रहने के लिए। और बहुत सारे कैंसिरियंस के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि ये वही स्टेबिलिटी है जो आप सीख कर रहे हैं। ये जो भी पर्सन है, आई डोंट नो ये कौन है, ये जो भी है नया पुराना आई डोंट नो, बट ये आपका सोलमेट है जो आपकी एनर्जी में बहुत ज़्यादा डोमिनेंट दिख रहा है बिकॉज यूनिवर्स इस कनेक्शन को ब्लेस कर रहे हैं। और डिवाइन एनर्जी है यहाँ पे, स्पिरिचुअल आपका बॉन्ड दिख रहा है। यहाँ पे 5 ऑफ कप्स की भी एनर्जी है। अगेन आपके पर्सन, ऐसा लग रहा है आपके पर्सन ने थर्ड पार्टी सिचुएशन फेस किया है। सो अगेन बहुत ही ज़्यादा वियर्ड एनर्जी है, बट ऐसा लग रहा है कि शायद आप दो लोगों में कंफ्यूज थे या फिर आप अपने पास्ट और प्रेजेंट में कंफ्यूज हैं या फिर कुछ यहाँ पे डिसअपॉइंटिंग हुआ है आपके पर्सन के साथ में जिसे इन्होंने फेस किया है। तो ये भी हो सकता है कि आप इस पर्सन में इंटरेस्ट ले रहे थे। सो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आप शायद से पहले कंफ्यूज थे या फिर इन्होंने आइसोलेशन का पीरियड देखा है जब आप इनके साथ में नहीं थे। अब एग्जैक्टली मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है कि ऐसे कार्ड्स क्यों आ रहे हैं, बट अगर आप रिलेट कर पा रहे हैं तो आप कर पा रहे हैं, आपको समझ में आ रहा होगा, राइट? आपकी एनर्जीज देखते हैं कैंसिरियंस। 9 ऑफ शॉर्ट्स, ओके, 3 ऑफ वांस, किंग ऑफ वांस। पहले तो हमें यहाँ पे पावर कपल्स दिख गए क्योंकि आपकी साइड से किंग ऑफ वांस आया था और आपके पर्सन की साइड से क्वीन ऑफ वांस आया था। दिस अगेन दिस एनर्जी इज़ लाइक मेड फॉर ईच अदर। दो एक जैसे लोग एक दूसरे के साथ में आ रहे हैं और यहाँ पे वो कंपैटिबिलिटी दिख रही है, राइट? किंग ऑफ वांस से और क्वीन ऑफ वांस से पैशन है यहाँ पे, फिजिकल अट्रैक्शन अगेन यहाँ पे बहुत ज़्यादा दिख रहा है। अब मुझे आपकी साइड से भी एनर्जी दिख रही है 9 ऑफ शॉर्ट्स की एनर्जी, मतलब बहुत ज़्यादा चिंता करने की एनर्जी या फिर फियरफुल एनर्जी या फिर आप बहुत टाइम से परेशान थे, वो एनर्जी हमें यहाँ पर दिख रही है। और देखिए ये कुछ ऐसी एनर्जी आपके पर्सन की भी दिख रही थी जब वो अकेलापन फील कर रहे थे। तो आप भी थोड़े से एंजाइटी और फियर में दिख रहे हो अपनी लव लाइफ में, ये पर्सन भी दिख रहा है। तो एक ऐसा पॉइंट आया है जब आप दोनों सेम चीज़ इस कनेक्शन में फ़ील कर रहे थे या फिर इस कनेक्शन में नहीं तो आप दोनों लाइफ में ऐसी जगह पे थे जहाँ पे आप दोनों कुछ सिमिलर चीज़ें यहाँ पे फील कर रहे थे और आप वेट कर रहे हो इस चीज़ को ये चीज़ चेंज हो, आप इस चीज़ का काफ़ी टाइम से वेट कर रहे हो बिकॉज 3 ऑफ वांस की एनर्जी वेटिंग की एनर्जी होती है। तो अगेन आप अपनी लव लाइफ में बहुत ज़्यादा वेट भी कर रहे हो, इस पर्सन का वेट कर रहे हो या फिर किसी चीज़ के होने का यहाँ पे वेट कर रहे हो और पॉजिटिव भी दिख रहे हो साथ में, है ना। बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग सी एनर्जी यहाँ पे, बिकॉज आप दोनों एक दूसरे को मिरर करते हुए दिख रहे हो। समवॉट आप दोनों के इमोशंस एक जैसे हैं यहाँ पे कैंसेरियंस। अगर ये कोई ऐसा पर्सन है जो मैनिफेस्ट होना बाकी है आपकी लाइफ में, तो दिस इज़ समथिंग वेरी ब्यूटिफुल। ओके, और देखते हैं कि इस पर्सन की लाइफ में क्या चल रहा है, आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, क्या सोच रहे हैं आपके लिए। गिल्ट, ओके, इस पर्सन की साइड से थोड़ा गिल्ट दिख रहा है। तो अगर पास्ट में इस पर्सन ने आपके साथ ऐसा कुछ किया है जिस चीज़ ने आपको हर्ट किया है, मुझे लग रहा है कि हो सकता है आप दोनों ऐसी एनर्जी में इसीलिए दिख रहे थे क्योंकि आप दोनों के बीच में शायद हो सकता है पास्ट में कुछ कॉन्फ्लिक्ट हुआ हो और उस चीज़ का गिल्ट है इस पर्सन को। मतलब कोई चीज़ पहले हुई है जिस चीज़ की वजह से ये पर्सन बहुत ज़्यादा पछता रहा है, या फिर इन्हें रियलाइज़ हो रहा है कि इन्हें वो इन्होंने जो चीज़ की है वो चीज़ इन्हें नहीं करनी चाहिए थी। तो यहाँ पे गिल्ट दिख रहा है। फाइटिंग तो अगेन दिख रहा है कि कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आप लोगों के बीच में हुई हैं और इनकी जो इतनी पॉजिटिव एनर्जी दिख रही है, एनर्जीज़ अभी चेंज हुई हैं। अगेन बहुत सारे लोगों के लिए रिकंसिलिएशन दिख रहा है बिकॉज यहाँ पे फाइटिंग है और गिल्ट है। और जैसे आपका फर्स्ट कार्ड आया था कि आपके बीच में, आप लोगों के बीच में कुछ कॉन्फ्लिक्ट हुआ है, सेम एनर्जी अब यहाँ पे भी आई है। तो एक चीज़ मुझे यहाँ पे बहुत ही क्लियर दिख रही है कैंसेरियंस कि अगर इस पर्सन ने आपके साथ पास्ट में कुछ गलत किया है तो पर्सन बहुत ज़्यादा गिल्ट फील कर रहा है उस चीज़ का, यू नो। देन वी हैव आइसोलेशन। सी इस ये है ना, ये चीज़ अगेन आइसोलेशन दिख रहा है, मतलब अकेलापन दिख रहा है। पर्सन बहुत ज़्यादा अकेला हो गया है। तो अगर इस पर्सन ने आपके साथ पास्ट में कुछ किया है तो उसकी वजह से गिल्ट भी है, फाइटिंग का कार्ड भी दिखा है और फिर वो रियलाइजेशन भी है कि जो इन्होंने किया आपके साथ में वो गलत किया। बिकॉज हमें ये चीज़ दिख रही है कि पर्सन बहुत ज़्यादा अकेलापन फील कर रहा है इस चीज़ के बाद में। देखिए कार्ड आइसोलेशन, मतलब दिस मैन इन दिस कार्ड इज़ एक्चुअली क्राइंग कैंसेरियंस। सो ये बहुत ज़्यादा गिल्ट है, आइसोलेशन है, पछतावा बहुत ज़्यादा है इस पर्सन को जो भी हुआ है पास्ट में उसका। देन वी हैव द ड्रीम, और अब ये पर्सन इस चीज़ का ड्रीम कर रहा है। कैन यू इमेजिन, कितनी आयरॉनिक सी एनर्जी है। और शायद इस वाले डेक ने हमारे बहुत सारे डाउट्स को क्लियर कर दिया है यहाँ पे। अब ये ड्रीम देख रहे हैं, आपके साथ वापस आने का ड्रीम देख रहे हैं। तो पहले जो भी किया इन्होंने उसका पछतावा है, आपके साथ लाइक बात होनी शायद बंद हो गई या नो कांटेक्ट में आप लोग गए हैं, तो उस चीज़ की वजह से बहुत ज़्यादा अकेले हो गए हैं बिकॉज वो सपोर्ट सिस्टम आपका हट गया है। और अब ये वापस से साथ में आने के ड्रीम देख रहे हैं आपके साथ में। और यही ड्रीम मैंने आपको बोला था ना कि ये पर्सन डे ड्रीमिंग कर रहा है यहाँ पे 10 ऑफ कप्स देख के। तो वही चीज़ हमें यहाँ पे इस कार्ड से फिर से दिख रही है। अब थोड़ी पिक्चर हमें क्लियर हो रही है, राइट। तो अगर आप रिकंसिलिएशन का भी सोच रहे हैं किसी पर्सन के साथ में, तो यहाँ पे बहुत ही मेजर चांसेस हैं आपके रिकंसिलिएशन होने के। देन वी हैव पोस्टपोनमेंट। ये पर्सन भी किसी चीज़ का वेट कर रहा है। आप दोनों के बीच में चीज़ें बहुत ज़्यादा स्लो चल रही हैं। शायद से हो सकता है कि बहुत टाइम से आप लोगों ने एक दूसरे से बात नहीं की हो बिकॉज चीज़ें बहुत ज़्यादा पोस्टपोन हो रही हैं, डिले हो रहा है। आपकी कनेक्शन में बहुत ज़्यादा डिले है, फॉर सम रीज़न यहाँ पे डिलेज बहुत ज़्यादा है। हो सकता है बहुत और अब सक्सेस का कार्ड आया है। ओके, सो सक्सेस का कार्ड पहले भी था यहाँ पे, राइट। हमने जब 6 ऑफ वांस की एनर्जी देखी थी, ये कनेक्शन सक्सेसफुल होते हुए दिख रहा है कैंसेरियंस। चाहे कितना भी डिले आया हो या फिर कुछ भी हो, इस पर्सन को पछतावा हो रहा है। जो भी इस पर्सन ने किया है आपके साथ उसका पछतावा होते हुए दिख रहा है यहाँ पे। गोइंग विद द फ्लो, आपके लिए गोइंग विद द फ्लो आया है। मुझे लग रहा है एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, क्योंकि इस कनेक्शन में इतना डिले हो गया है या फिर बहुत टाइम से शायद से आप लोगों की बात भी नहीं हुई होगी, तो गोइंग विद द फ्लो बता रहा है कि अब आप सिर्फ यू नो यू आर गोइंग विद द फ्लो, मतलब आप बहुत ज़्यादा एफर्ट नहीं लगा रहे हो शायद इस कनेक्शन में, आप भी एकदम स्लो हो गए हो क्योंकि इस पर्सन का शायद से रिस्पॉन्स आपको बहुत ज़्यादा स्लो मिल रहा था। तो आपने शायद ये डिसाइड किया है कि अब जो होगा वो देखा जाएगा, या फिर मुझे आगे रह के कुछ एफर्ट नहीं लगाने हैं, इस पर्सन को अगर कुछ एफर्ट लगाने होंगे तो ये पर्सन वापस से आएगा, या फिर इस टाइप की आपकी मैंटालिटी दिख रही है। आप इवन तो आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं, अगर आपकी बात हो रही है तो आप इस पर्सन से बात कर रहे हैं, अगर ये पर्सन जो भी आपसे बातें कर रहा है आप बातें सुन रहे हैं, आप डीकोड करने की कोशिश कर रहे हैं कि पर्सन फाइनली चाहता क्या है। बट एट द सेम टाइम आपकी साइड से भी एफर्ट रिसेंटली कम हुए हैं इस पर्सन के लिए। यू आर जस्ट गोइंग विद द फ्लो के जो होगा वो देखा जाएगा। द रेबल की एनर्जी आई है यहाँ पे। मुझे अगेन बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्टिंग एनर्जी दिख रही है आप दोनों के बीच में, और मुझे ये भी लग रहा है कि आप कैंसेरियंस ऐसी जगह पे इस कनेक्शन में स्टैंड कर रहे हैं जहाँ पे अब आप इस पर्सन की कोई भी BS नहीं ले रहे हैं। यू नो, मतलब जैसे मैजिशियन से पता चला था कि बातों में बहुत ज़्यादा घुमाता है पर्सन आपको, बट अभी आप बातों में आते हुए नहीं दिख रहे हो बिकॉज आप रेबल की एनर्जी में दिख रहे हो। इट्स लाइक कि आप अपने पावर में स्टैंड करते हुए दिख रहे हो, या फिर अब आपने ये सोच लिया है कि मैं कुछ भी नेगेटिविटी नहीं लूँगा इस पर्सन की या नहीं लूँगी, और शायद आप इस एनर्जी में दिख रहे हो जहाँ पे आप कुछ भी डोमिनेशन इस पर्सन का बर्दाश्त नहीं कर रहे हो। अगेन मुझे ऐसा लग रहा है कि हो सकता है आप दो पर्सन से डील कर रहे हो, यहाँ पे इनर वॉइस है, आप अपने इंट्यूशन को फॉलो कर रहे हो, आप जानने की कोशिश कर रहे हो टैरो रीडिंग के थ्रू, या फिर कहीं से यूनिवर्स के साइन मांग रहे हो, यूनिवर्स से साइन मांग रहे हो, कुछ मैसेजेस मांग रहे हो उस कनेक्शन के लिए। आपका इंट्यूशन आई थिंक आपको ऑलरेडी साइन दे रहा है। यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ की एनर्जी है, इस पर्सन के लिए आपने लाइफ में बहुत सारे कॉम्प्रोमाइज़ किए हैं कैंसेरियंस, उस चीज़ की एनर्जी यहाँ पे दिख रही है। एंड देन वी हैव पेशेंस, और आपने बहुत ज़्यादा पेशेंस रखा हुआ है। सी, यहाँ पे आपने इस कनेक्शन में बहुत ज़्यादा पेशेंस रखा है, और यहाँ पे पोस्टपोनमेंट बिकॉज चीज़ें बहुत ज़्यादा डिले हो रही हैं, राइट। सो क्या अभी चीज़ें क्लियर हो रही हैं, हो गई हैं? आई थिंक आपको भी हो गई होंगी और मुझे भी हो गई हैं। बट जो भी कुछ भी हुआ है पास्ट में उसका इस पर्सन को बहुत ज़्यादा पछतावा है कैंसेरियंस, और आपके रिकंसिलिएशन के चांसेस यहाँ पे दिख रहे हैं। ओके, और अगर आप ऐसी स्टेज पे हो जहाँ पे रिकंसिलिएशन के कोई चांसेस ही नहीं हैं, तो फिर ये जो पर्सन की एनर्जी हमने देखी है कोई नया पर्सन हो सकता है। ओके, और मुझे लग रहा है ऑलरेडी आपके पास दो ऑप्शंस हैं और आप ये बात जानते हो, बट स्टिल कहीं ना कहीं आप अपने पास्ट पर्सन का वेट कर रहे हो। और अगेन चांसेस आर देयर, मतलब टू बी ऑनेस्ट चांसेस हैं आपके के पुराना पर्सन आपके लाइफ में आए। अब उसको लाइफ में लेना या ना लेना टोटली आपके हाथ में होगा। वाओ, अच्छा कार्ड आया है कि तो यूनिवर्स ओके, सो पहले तो यूनिवर्स आपको ये बोलना चाहते हैं कि खुश रहिए, जो भी चीज़ें आप फेस कर रहे हैं वो चीज़ें अपने आप सॉर्ट आउट होंगी और चीज़ें अपने आप फ्लो में आएंगी। आपने पेशेंस ऑलरेडी बहुत ज़्यादा रखा हुआ है, थोड़ा सा और पेशेंस की ज़रूरत है। और ये वाला जो कार्ड यहाँ पे फर्स्ट आया वो ये भी बताता है कि लाइफ में उन चीज़ों पे फोकस करिए अभी जो चीज़ें आपको खुशी देती हैं, बिकॉज़ इस कनेक्शन में डिले हो रहा है। तो मीनवाइल आपको उन चीज़ों पे फोकस करना है जो चीज़ें आपको लाइफ में खुशी देती हैं, राइट। उसके बाद कार्ड आया है इट्स नॉट एज इफ़ यू नीड एनीवन। तो ये कार्ड यूनिवर्स यहाँ पे ये आपको बता रहे हैं कि ज़रूरी नहीं है कि हर टाइम आपको कोई ना कोई चाहिए ही, आप इंडिपेंडेंट भी खुश रह सकते हैं। और आपकी लाइफ में इस कनेक्शन के अलावा भी बहुत सारी ऐसी चीज़ हैं जो आपको खुशियाँ पहुँचा सकती हैं। सो बहुत ज़्यादा इस चीज़ पे हमेशा डिपेंड मत रहिएगा कि पर्सन आपसे एक सर्टन वे में बिहेव करे तो ही आप लाइफ में खुश रहेंगे। ये बहुत ही अच्छा मैसेज है, आई होप आपको समझ में आया होगा। और सबसे स्पेशल मैसेज ये है यहाँ पे, इफ़ दे वंस लव्ड यू दे स्टिल डू। ये कार्ड बोलता है कि अगर पहले वो इंसान आपके लिए फीलिंग्स रखता था तो वो इंसान अभी भी आपके लिए फीलिंग्स रखता है, अगर पहले रखता था तो अभी भी रखता है। तो अगर आपको लगता है कि इस पर्सन के सारे इमोशंस आपके लिए ख़त्म हो गए हैं तो नहीं हुए हैं। ओके, ये अभी भी पहले जैसा फील करते हैं। उसके बाद यहाँ पे कार्ड है कर्मा इज़ ऑन योर साइड, कर्मा आपकी तरफ है कैंसेरियंस। सो आप यहाँ पे कर्मा बैलेंस हो रहा है, बिकॉज ऑलरेडी ये पर्सन परेशान दिख रहा है, तो मुझे लग रहा है वो एक टाइप का कर्मा बैलेंसिंग ही हो रहा है, बिकॉज ये पर्सन बहुत ज़्यादा खुश नहीं है जो भी इसने किया है उसके बाद में, यू नो। तो आपने जितना भी इस कनेक्शन में दिया है, जितना भी इस पर्सन को सपोर्ट किया है, जितना भी प्यार दिया है, वो सब कुछ आपको रिटर्न में मिलेगा, बिकॉज कर्मा आपकी साइड में है। ये कार्ड बोला है ऑनर था सेल्फ, अपने आप को ऑनर करिए और अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट का हमेशा ध्यान रखिए। ओके कैंसेरियंस, अब लास्ट कुछ और कार्ड्स निकालते हैं, यूनिवर्स की साइड से वो क्या बोलना चाहते हैं इस कनेक्शन के लिए, कोई टाइमलाइन मिल जाए हमें या कोई और हिंट्स मिल जाए। उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि यहाँ पे कौन कौन से साइंस हैं, और उसके बाद मैं आपके लिए अल्फ़ाबेट्स भी निकालूंगी जिससे आपको एक फर्दर कन्फर्मेशन मिल जाए। ओके, और इस रीडिंग से कोई भी वैल्यू मिली हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सो फर्स्ट कार्ड वी हैव कॉम्प्रोमाइज़ का कार्ड 2 बार आया है। सो यहाँ पे भी कॉम्प्रोमाइज़ का कार्ड आया था और यहाँ पे भी कॉम्प्रोमाइज़ का कार्ड आया है। सो येस, इस कनेक्शन में कुछ कॉम्प्रोमाइज़ हैं, कुछ कॉम्प्रोमाइज़ आपने किए भी होंगे। सो ये कनेक्शन आई थिंक अगर आप इस कनेक्शन में रहना चाहते हो तो कुछ थोड़े छोटे मोटे कॉम्प्रोमाइज़ या बड़े कॉम्प्रोमाइज़, आई डोंट नो किस लेवल के कॉम्प्रोमाइज़ हैं जो आपको करने पड़ सकते हैं या फिर आप ऑलरेडी कर रहे हो सकता है कि इस पर्सन का कोई पर्टिकुलर बिहेवियर है जो आपको बर्दाश्त करना पड़े, या फिर जो भी डिले इस पर्सन की वजह से हो रहा है आपकी लाइफ में वो आपको हैंडल करना पड़े, या फिर जिस तरीके से पर्सन बिहेव कर रहा है, आई डोंट नो कैंसेरियंस। बट आपके हाथ में ही है कि आप ये करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते हैं, बिकॉज़ ये रोड थोड़ी सी टफ़ है और ये कनेक्शन थोड़ा सा टफ़ है। यहाँ पे सक्सेस का कार्ड अगेन आया है। सक्सेस हमें पहले 2 बार और दिख चुका है, तो अगेन यहाँ पे भी सक्सेस है और 6 ऑफ वांस भी सक्सेस ही बता रहा था। तो अगेन एक अफर्मेशन है यूनिवर्स की साइड से कि ये कनेक्शन फॉर श्योर सक्सेसफुल हो सकता है कैंसेरियंस। एंड देन वी हैव नो, यहाँ पे नो का कार्ड आया है। नो किसी चीज़ के लिए मना कर रहे हैं यूनिवर्स आपको, या तो आपकी नेगेटिव थिंकिंग के लिए, या फिर सेल्फ क्रिटिसिज्म के लिए, या फिर अगर आप इस कनेक्शन में खुद की रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं या फिर आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट कम है तो उसके लिए। तो कुछ है जो आप अभी अपनी लाइफ में या लव लाइफ से रिलेटेड कुछ चीज़ें ऐसा कर रहे हैं जिसके लिए नो है, या फिर अगर आपके दिमाग में कुछ क्वेश्चन चल रहा था तो उसके लिए नो है। ओके, अब मैं आपको बताती हूँ कि यहाँ पर कौन कौन से साइंस हैं और उसके बाद हमें अल्फ़ाबेट्स देखेंगे। ओके, तो यहाँ पे सबसे स्ट्रॉन्ग जो एनर्जीज़ दिख रही हैं वर्गो की एनर्जी है, यहाँ पे कन्या राशि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। उसके बाद कैंसेरियंस आपकी एनर्जी भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन भी कैंसेरियंस हो सकते हैं, कर्क राशि, या फिर पाइसिस हो सकते हैं, मीन राशि, या फिर स्कॉर्पियो हो सकते हैं, वृश्चिक राशि। यहाँ पर टॉरस की एनर्जी भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो अगेन आपके पर्सन वृषभ राशि हो सकते हैं। यहाँ पे सैजिटेरियस बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, धनु राशि हो सकते हैं आपके पर्सन, एरीज की एनर्जी है यहाँ पे, तो मेष राशि हो सकते हैं, लियो हो सकते हैं आपके पर्सन, सिंह राशि। और कैप्रिकॉर्न भी हो सकते हैं आपके पर्सन, मकर राशि। ओके, अब अल्फ़ाबेट्स देखते हैं। अल्फ़ाबेट में आपको आपके पर्सन के नाम का फर्स्ट लेटर मिल सकता है, या फिर उनका पूरा नाम मिल सकता है, आपको आपका नाम मिल सकता है, वो भी एक फर्दर कन्फर्मेशन होगा आपके लिए। ठीक है, सो वी हैव द लेटर, वी हैव एक्वेरियस, यहाँ पे एक्वेरियस आए हैं, कुंभ राशि फिर से आई है, यहाँ पे पाइसिस आए हैं, मीन राशि आई है, यहाँ पे सैजिटेरियस आए हैं, धनु राशि फिर से आई है। ओके, ये सारी शायद वही राशियाँ जो हम डिस्कस कर चुके हैं। वी हैव द लेटर ई एंड ओ एंड एस एंड एल एंड आर एंड जी, ए जी ई ए आई एन वी C U I X M M O एंड टी। ओके कैंसेरियंस, ये सारे लेटर्स हैं। सो आई नो कि आपका पास्ट बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं दिख रहा है, प्रेजेंट में भी शायद आप थोड़ा सा टफ टाइम फेस कर रहे होंगे, बट फ्यूचर आपको बहुत ज़्यादा अच्छा दिख रहा है अगर आप इस पर्टिकुलर पाथ को चूज़ करते हैं तो। बट ऑब्वियसली ये एक जनरल रीडिंग है और आप पे बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करेंगी कि आप लाइफ में क्या करना चाहते क्या नहीं, बिकॉज़ यू नो इट बेटर। इन रीडिंग से हमें गाइडेंस और एक डायरेक्शन मिलता है, बट अल्टीमेट डिसीज़न आपको जो भी लेना है आपको खुद से सोच समझ के लेना है। सो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर दिस एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय।